नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, जो गवर्नमेंट के अधीन है, एक नवरत्न कंपनी है, उसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है टेक्निकल की, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर एटलीस्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो 28 साल है। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर। ब्रांच कौन सी चाहिए आपको? मैकेनिकल। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 6 है, जिसमें UR की 3, OBC की 2, ST SC की 1। जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका पे स्केल दिया गया है 24,500 से 3% बढ़ा के और 90,000 रुपये, और उसके बाद एडमिसेबल अलाउंस आपको मिलेगा इसमें। उसी तरीके से टेक्नीशियन सी के लिए आप देख लें, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, ITI होना चाहिए, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप, या फिर अगर आपने हाई स्कूल करके भी आजकल गवर्नमेंट के जो प्लान्स चल रहे हैं 3 साल के अप्रेंटिसशिप के, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें 28 ईयर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपके पास ब्रांच होनी चाहिए, और फिटर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं और फिटर के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें UR की 7, EWS की 1, OBC की 5 और SC की 2, माने किसके क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी ग्रेजुएशन है, 28 ईयर एज लिमिट है, और इसमें क्या है 5 पोस्टें हैं। ये सारी पोस्टें मिलाकर यहाँ पे कैटेगराइज कर दी गई हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका पे लेवल 21,500 से लेकर 82,000 रहेगा और एडमिसिबल अलाउंस। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो मैंने रिलैक्सेशन के बारे में बात की वो इसमें रिलैक्सेशन के बारे में सेम है, OBC के लिए 3 साल, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगी वो सभी आप क्वालिफाई किए हुए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है इसमें दी गई है। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपका वो रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपका लिया जाएगा, इन दोनों के बेसिस पे। उसके बाद आगे देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। 19/7 से इसका लिंक ओपन हो चुका है, जिसको कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट एंड आर सर्टिफिकेट, IT अप्रेंटिसशिप जो कुछ भी होगा एंड डिप्लोमा से रिलेटेड, वो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने रहेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात तो 250 रुपीज़ का आपको चार्ज पे करना होगा, प्लस 18% GST के साथ, जिसे आप SBI कलेक्ट के माध्यम से पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बात देखें इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है वो 8 अगस्त दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली 8 अगस्त 2023। अगर आपका कोई क्वेरी हो फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप इस टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे इस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।